अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हमारी पॉडकास्ट हमारे साथ अब्दुल्ला खलील शामिल है, तो हम दावत देना चाहेंगे अब्दुल्ला खलील को। यस मूसा मूसा मूसा। अच्छा, पहला सवाल जी, एक शख्स को कब रियलाइज होता है कि वो एक इन्फ्लुएंसर बन सकता है? लाइक ये ऐसी कोई चीज़ करियर पाथ भी नहीं है कि आपको स्कूल लेवल पर पढ़ाया जाता हो या समझाया जाता हो कि यार आपने कहते हैं बड़े इन्फ्लुएंसर बनना है, मतलब डॉक्टर पायलट इंजीनियर की चीज़ें होती है, तो ये कैसे बंदे को पता आइडिया होता है कि यार मैं इन्फ्लुएंसर बन सकता हूँ, कि मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये शक्ति या क्षमता है? तो मैंने थॉट प्रोसेस समझा ना इस चीज़ में, ये चीज़ स्टार्ट होती है एक इंस्टाग्राम की डेस्परेट अकाउंट से। ठीक है, आप अकाउंट में आते हैं आपको फॉलोअरशिप तलब होती है। ठीक है, आपने वो चिल्ड्रन से करा आपको भी फॉलोअर्स होते हैं, सही आपके फॉलोअर्स जैसे बढ़ते हैं ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, बेशक आपने पैसे लेके देते हैं या आपने आपके दोस्त को मैसेज किया कि बहुत सौ रुपये कुछ ऑर्डर कर लो। ठीक है, जैसे मर्जी फॉलोअर हैं सस्ते हैं महंगे हैं, तो आपको 2000 से ऊपर फॉलोअर जाने शुरू होते हैं इन्फ्लुएंसर आप ऑटोमेटिकली। इसके अलावा अगर आपको कहीं से खुदा न खासा तो PR पैकेज आ जाए, सोने पे सागा चेरी ऑन द टॉप, अप्रूवल है इसी का कि आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। यार अगर आप फेक PR पैकेज बनाओ, लाइक मैं अपने जेड पे गया था रिसेंटली, मेरे को टैग करके आ गया था एक्सप्लोर इन्वाइटिंग, तो उससे क्या एक जाएगा इमेज क्या जाएगा लोगों में? एज लॉन्ग एज किसी को पता नहीं चलता तो इन्फ्लुएंसर्स कुछ फेक भी करते हैं PR पैकेज अपने करते हैं, लेकिन अगर आप अगर मेरे हिसाब से अगर आप चूट लग रहा है तो आप दो मर्जी हो आप वो जा देते चूटरस को माफ़ी है ये मैं माफ़ी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस, इंशाल्लाह विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो सून। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ऐसे।